अभी मैं आपको ना रॉक का बाइक रिवील करता हूँ मेरे चैनल पे ऑफिशियली। कल से हम लोग का एक शॉर्ट राइड स्टार्ट होने वाला है। राइड पे कौन कौन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हेलमेट मेरे लिए होगा, मैं लगाऊंगा। ये देखो गाइस, बॉबी का बाइक ना अंदर घुसा दिया। माता ना ऐसा बोला जैसे ऐसा तुरना है, दे देना। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बज गए हैं। मुझे आज सिलीगुड़ी जाना है क्योंकि रॉक आ रहा है, तो फटाफट रेडी होना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोग फाइनली सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं और यहां से अभी हम लोग को जाना है कालमोर। उसके बाद फिर से मेरे को बस वगैरह ऑटो चेंज करना पड़ेगा और फिर हम लोग चल जाएंगे फाइनली बॉबी भाई के पास और दिखाएंगे रॉक का नया बाइक। यस, a few moments later. So guys, finally हम लोग ऑटो से यहाँ से उतर गए एंड बॉबी का घर मतलब अभी यहीं पे दूरी है। अभी मैं आपको ना रॉक का बाइक रिवील करता हूँ मेरे चैनल पे ऑफिशियली। ऐसे तो हम लोग को सब पता ही है लेकिन ऑफिशियली मैं भी अपने आंखों से देखूंगा। जब मैं कोलकाता गया था ना, तब ना ये वाला कलर नहीं था जो कलर हम लोग को लेना है। ब्लैक कलर था शोरूम में और गोडाउन में इसका ये वाला कलर था जो हम लोग को लेना है। तो भाई जब हम शोरूम गए तो भाई मन किया कि सब चोरी करके आ जाए सारा का सारा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिलीगुड़ी से हम लोग ने बस में आया ना, वो गवर्नमेंट बस था। उसका जो कंडक्टर है बहुत ज्यादा रूड है, बोलता है 500 रुपए क्यों दे रहा है भाई, पैसा होता है। गवर्नमेंट बस है, गवर्नमेंट बस बार बार बोल रहा है भाई 500 रुपए का भाई नोट है, वो भी अब सुबह सुबह चेंज कहाँ से लेके आऊँ। तो ये चीज है भाई, दो जन का लग गया 260, 500 ना दूं तो कितना दूं, 100 रुपया दूं उसे। सुनो बेटा, कैसे हो? हाँ सुन लो, ये सुनेगा कुछ नहीं करेगा। पहचान लिया, ये प्रेम राणा है। कल प्रेम उस दिन प्रेम राणा के साथ ही सो गया था भाई। इसका पैर मेरे पैर पे जा रहा है ना, बहुत हैवी है ये, रख दे वापस। सरप्राइज। अरे मैं सरप्राइज देने के लिए इतना दूर से आया है, कोई रिएक्शन नहीं, सब लौंडा लोग घोरा बीच के सोया हुआ। तो गाइस फाइनली वो समय आ चुका है, मैं भी बाइक में बैठा हूँ बाइक रिवील करने का। पहला जो चीज है ना बाइक में बैठने का, लॉन्ग है, मतलब ऐसे मस्त तरीके से चला सकते हो। कैमरा पकड़ बता दे। Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. So guys, अंकित सर 300 लाइम ग्रीन कलर देख सकते हो, कैसा लग रहा है, सुपर्ब लग रहा है ब्रो, सुपर्ब निंजा 300। ओ भाई कैसा लगा भाई, आप लोगों को बताओ कमेंट करके ये बाइक। और राइडिंग पोजीशन इसका ना कुछ ऐसा है। तो गाइस आप देख सकते हो अंकित सर यहाँ पे कितना मस्त तरीके से बैठ चुके, लगता है मेरे को तो आप जोन अब्राहम जो नहीं था धूम फर्स्ट मूवी वैसे ही लग रहा है। इसका टायर देखिए गाइस, OMG, ओ हो, साउंड टाइम, चलो 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 साउंड। बाइक का जो फील है भयंकर है और यहाँ पे देख सकते हो कैसा लग रहा है, मतलब आप ही देख के बताओ आपका भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। कैसा लगा अंकित सर? मजा है कावासाकी निंजा 300 ड्यूल सिलेंडर। तो अभी यहाँ पे देखो डाउन क्लियरेंस दिखाता हूँ, जो नॉर्मल जो रोड का जो बम्पर होता है उसमें कैसा दिखता है, कैसा होता है ये देख सकते हो भाई, थोड़ा सा के लिए बच गया है भाई, इतना ज्यादा कम है इसमें डाउन क्लियर है। अब फाइनली हम लोग खाना उना सब खाने के बाद में बॉबी अपना बाइक निकाल रहा है डोमिनार और रॉक का बाइक उसने वहाँ पे लगा लिया। और चल जल्दी जल्दी चल भाई, मेरा तो फिर भी फेवरेट डोमिनार ही है, कावासाकी अच्छा बाइक है लेकिन डोमिनार अपना फेवरेट है, इसका साउंड कभी भी अच्छा है भाई। भाई दो दो हैवी इंजन का बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, आवाज सुनो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों ग्रीन कलर है, कैसा लग रहा है ब्रो? नहीं लग रहा है, वीडियो बहुत ही अच्छा बन पाता है कि मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रेवल जिंदगी में कभी नहीं गया था 12 घंटा नॉन स्टॉप बाइक में। और रॉक कल इस सीट में था, ब्रेक मारते भाई इधर इधर आ रहा था पूरा, शायद 14-15 घंटा इन लोग बाइक में बैठा हुआ था। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ बैठेगा? नहीं भाई, हम नहीं बैठेगा उधर।
नहीं होगा, स्टैंड ऊपर करके तभी होगा। अभी के बाइक में हवा बहुत कम है और हम लोगों को कल राइड स्टार्ट करना है, तो हम लोग को हवा चाहिए फुल एकदम बाइक में। तेरा हवा ठीक है बाइक का नहीं तेरा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए रॉक का जो बाइक है उसका थोड़ा क्लीनिंग करवाना है, चेन लूपिंग करवाना है, क्योंकि कल से हम लोग का एक शॉर्ट राइड स्टार्ट होने वाला है। राइड में कौन कौन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। बॉबी रहेगा डोमिनार में और मैं रहूंगा और कावासाकी और रॉक और प्रेम रहने वाला है। अभी क्या ना भाई बाइक को धोने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, तो भाई तेरा धनो रानी से धुला रहा है। तू कब नहाएगा? कब नहा के आया है? ये हमारे यहाँ के आलम भैया स्पेशल। आलम भैया स्पेशल ये है एक्चुअली, ये बाइक को मतलब नॉर्मल बाइक को पूरा बैटरी वाला बाइक बना। अच्छा मैंने वीडियो देखा था। हाँ, वीडियो देखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि बाइक को वॉशिंग के लिए देकर हम लोग जाना है अभी मार्केट में, क्योंकि ना हेलमेट लेना है, क्योंकि हम लोग खाली 4 हेलमेट है, एक और हेलमेट चाहिए, हम लोग 4 जन है और फिर इसका बहुत सारा एक्सेसरीज भी लगाना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो भाई अब तो पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि एक बाइक तो यहाँ हो गया। फिर मिलते भाई। A few moments later. सो भाई सिलीगुड़ी का मौसम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और यहाँ पे अभी क्या ना हम लोगों को बाहर निकलना है, तो हो सकता है कि आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है बाइक वॉश करने। जैगवान से ना बहुत सारा चीज़ ले गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और रॉक का ये हेलमेट है, नहीं ये बॉबी, हाँ ये रॉक का हेलमेट है, जो कितने का भाई? 6,650। और ये आते आते 2-3 बार गिरा चुका है। 2-3 बार गिर गया ना ये, देखो स्क्रैच लग गया पूरा का पूरा ही, एकटा दुईटा ये ही। और बाइक मेरा बाइक का वो भी स्क्रैच हो गया, बाइक में स्क्रैच लग गया। 600 किलोमीटर राइडिंग किया तो बहुत सारी चीजों से गुजरा, थोड़ा बहुत ना राइडिंग में ना होता है, थोड़ा पत्थर लग जाना, थोड़ा सा गिर जाना, ये सब। और नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस भाई इतना, मैंने 4 बार छू चुका मेरे दिल पे यार। जब भी डाउन क्लियर जब ये निकलता है ना, इसका दिल से निकलता है वो चीज, ठीक है। और बॉबी ने भी सेम हेलमेट लिया, तो दोनों ने साथ में लिया। बॉबी का गोप्रो यहाँ पे लगा है। और तेरे लिए ना मैंने बहुत सारा सरप्राइज लाया, अभी तक इसने देखा नहीं है, मैं भी दिखाता हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं है क्या सरप्राइज दिखाओ ना। नहीं इसको पता है भाई, तो ये रहा भाई सरप्राइज। अरे इसमें तेरा जूता क्या कर रहा है? ओ भाई, ओ 8,000 का है लिवाइस का भाई, रॉक ने पहली बार इतना महंगा जूता लिवाइस। 8,000 में तो पूरा 1 साल का कपड़ा हो जाता मेरा। सबसे पहले दिखा दूं, ये टैंक बैग है रॉक का नया, और यहाँ पे ये गोप्रो हीरो 10 का माउंट है, और यहाँ पे गोप्रो हीरो 10 इसने लिया है। यहाँ पे एक माउंट है जो कि इसके हैंडल में लगेगा, इसमें गोप्रो है, इसमें खोल दो बॉबी। अरे हम देखेंगे। तो जो मैंने सपने में सोचा भी नहीं था, गोप्रो का भी एकदम लेटेस्ट गोप्रो हीरो 10 मुंह में अलग लगता है। तो ये किसके लिए? ये चेस्ट के लिए है, ये है ना देख इधर इसको, हाँ कहीं बैग में है या पे ऐसे कर ले, या पे गोप्रो माउंट लगे ऐसे लगेगा, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारा ट्राइपॉड है, बैटरी है, एक्सेसरीज है, यहाँ पे ट्राइपॉड भी है, ठीक है। इसके अलावा में यहाँ पे चार्जर है इसके अंदर भाई, इसको खोलेगा फिर डालना इसको, हाँ डाल देंगे। ओ भाई सामान है और भी, ये तो हम खाली थोड़ा आधा लेके, आधा और है गोप्रो का खाली, खाली गोप्रो का। ये चेस्ट माउंट है, के बाद में एडेप्टर है जिसे ऑडियो रिकॉर्ड होगा इसका, ये लगेगा माउंट लगेगा यहाँ पे हेलमेट का आगे में लगता है ये। इसके अलावा फिर ये माइक है। बॉबी तेरा हेलमेट देना, मजा करना करो साथ में, देखना भाई। अब तेरे को बताता है इसका तरीका, इसका कुछ सामान टूट जाएगा ना भाई, दे देना, दे देना करके ले लेगा, मत देना। ये बहुत चला के परेशान आदमी है, नहीं देगा। प्रेम रन आपको कैसा खुशी हो रहा है? अरे जाइको में राफ्टिंग हो रहा है गाइस, तोसा नदी से हंसी मारा तक। हाँ राफ्टिंग हो रहा है, हाँ नदी में वो आपसे रिसोर्ट में टर्न के वो जो नहीं है खोला वहाँ से निकलेगा, और कौन सा आएगा तुमको टेंशन मत लो। और हमारा स्नो आ गया। अरे भाई इसको कुछ मत दे, अब जितना भी रिकॉर्डिंग मेरा इससे पहले किया वो सब मत डालना। बाइक में ना, बाइक लेने का जो खर्चा ना बहुत है। तेरे गियर कहाँ पे? पैंट बैग में। ओ इसमें गियर्स वगैरह भी लिया है। खोलना पैकेट का चाटा लेगा ना। ये माउंट है, ये देखिए गाइस इधर में, जब आप ला इसको तोड़ दिया तू भाई। अरे तुम मजाक कर रहे हो, तुम लोग ज्यादा ही मजाक कर रहे हो। ये तेरे का आराम से कर ना, तोड़ दिया भाई इतना स्पीड से कर रहा है। गोप्रो हीरो 10 भी आ चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा। हां तुम्हारा बाइक का खुशी में मेरा बाइक, तुमने एक एक मेरे को सौभाग्य दिया अपना बीवी को मेरे को चलाने के लिए पहला, वो भी फर्स्ट प्राइज। अच्छा तो उस सौभाग्य को हम पूरा करने के लिए हम रुआ एकदम स्पेशल माल पुआ लिया है। अरे माल पुआ भी। अच्छा तो ये माल है, ये पुआ है। चला
होता थोड़ा सा आगर गुस्सा 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 पूरा गुस्सा मीऊ मीठा कराओ बेटे हमको हेलमेट ले लिया 150 रुपया लेगा पीछे का शॉट करता हूँ काम लेता हूँ रोकना कि मेरा नाम है जूता लाया भाई नहीं लाया जूता नहीं लाया नहीं लाया दोस्त सॉरी मेरे पास जूते नहीं है अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर में थोड़ा सा बाए काम वाम करने थोड़ा बाइक वाइक भी चलाएंगे और जो भी होगा आपको आगे मन चल जाएगा भाई अपना प्रेम एकदम हैंडसम लग रहा है थैंक यू सो मच ब्रो ओके ब्रो तो यहाँ पे रॉक ने अपना बाइक वॉश के लिए दिया था यहाँ पे देख सकते हो जो धन्नो है भाई फुल तैयार हो गया है एकदम नहा धोवा के भाई एकदम देख सकते हो भाई अभी लग रहा है भाई कावासाकी 300 चेन देख सकते हो वापस भाई नया नया हो गया चांदी हो गया भाई अब तुम सिलीगुड़ी में राइड करोगे नाम ही नहीं रखा नाम उद्घाटन कर देते हैं लैला ना 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 कमेंट सेक्शन में आप लोग भी सजेस्ट कीजिए और हम लोग ने रखा है लैला लैला यानी कि मैं प्यार से बुलाऊंगा इसको लैला यानी कि लैला मैं उसका मजनू ठीक है जब ये गुस्सा होती है खर्चा करती है उस टाइम पे है हेला थोर का बहन हेला थोर का बहन नहीं अपना हेला है यार उस टाइम पे लैला ओ भाई पैसे ही पैसे अभी पहले हम लोग हेलमेट लेंगे प्रेम के लिए बिकॉज जो पीछे बैठेगा उसके लिए हेलमेट नहीं है और फिर हम लोग सिटी सेंटर जाएंगे और मेरे लिए इसके पास जो पुराना वाला हेलमेट है वो वाला यूज करूंगा तो अपना लैला निकल गया यहाँ पे दोनों का दोनों मजनू लैला दोनों निकल गया और दोनों ग्रीन हंक है चाबी लो भाई सेटअप में आपका बहुत क्वालिटी और सब अच्छा आ रहा होगा तो से आया था ना गाइस ये पूरा का पूरा सो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे है पता नहीं एड्रेस कौन सा है बट हेलमेट लेना है यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट है ए भाई सेम है तो अरे कहाँ से आऊँ 6500 ये रहा सेम है दो पीस अपने पास और यहाँ पे भाई कितना सारा हेलमेट है ये सबसे महंगा है कितना का ये भाई ये जगह से तो मेरे को प्यार हो गया इतना सारा हेलमेट और बाइक का गियर्स वगैरह है यहाँ पे गाइस बहुत सारा हेलमेट है आपको मैं ये वाला हेलमेट पहन के दिखा रहा हूँ ठीक है 3, 2, 1 गो तो यहाँ देख सकते हो भाई कैसा ये वाला कैसा लग रहा है ये वाला ना उतना ना हम लोग के लिए नहीं है हम लोग का ये उसमें वो जो हम लोग के लिए यही ठीक है तो भाई ये वाला पसंद आ रहा है ये ले लेंगे भाई और एक चीज है कि हेलमेट ना लगाने के निकालने का पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है मैं हेयर को स्टाइल करके आया था अनबॉक्सिंग का टाइम 1, 2, 3 ये वाला लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट ये हेलमेट मेरे लिए होगा मैं लगाऊंगा कैसा लग रहा है बताओ मैं पहन के दिखाता हूँ यहाँ पे भाई फिटिंग लग रहा है एकदम कैसा लग रहा है दिखने में सही लग रहा है सही लग रहा है ये मेरे लिए भाई कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है तो गाइस हमने हेलमेट ले लिया नया बताओ कैसा लग रहा है दुकान ये है कुछ देख सकते हो थैंक यू भैया तो अब हम लोग को जाना है क्योंकि हम लोग अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं ये देखो गाइस बॉबी का बाइक ना अंदर घुसा दिया निकलेगा कैसे और यहाँ बाइक की बाइक है मतलब लाइन से सारा बाइक लगा कुछ कुछ खराबी है काम चल रहा है रुक जा चलो भाई अभी एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम लोगों को ये वाला रोड से जाना है और कावासाकी का टाउन क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है देख सकते हो कितना खराब रोड है जाएगा ओ अबे तो नया बाइक है ओ माता उधर से वो सूखे कोचा तेरा सूखे कोचा हाँ यहाँ पे डालते उठा दे अंदर तो अभी हम लोग आगे सिटी सेंटर मॉल के अंदर है पार्किंग किया हूँ बाइक को महंगा बाइक है उसके अंदर पार्किंग करवाया नहीं तो बाहर भी था अरे इसको लॉक करना हो नहीं हो रहा लॉक हो गया थैंक यू लॉक भाई साहब बाइक तो गर्म हो गई इतनी देर में भाई ये लिफ्ट नहीं है सबके हाथ में हेलमेट है सब राइडर है इतना बड़ा लिफ्ट है हम लोग सो सकते हैं अरे हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए अच्छा तू बोल रहा था ना जिम जाना चाहता है हेलमेट भी रख लीजिए ना भैया जिम तू लोग बोल रहा था ना ले ए भाई तू बोला जिम जाएगा चल जिम का सामान आज यहीं से ले ले ओनली 34,000 रुपीस ऐसा बोला जैसा ऐसा तुरना है दे देना यहां पे ऐसा तुरेगा ऐसा दिया पैसा
यहाँ पे चाबी नहीं, अच्छा अच्छा मिल जाएगा तेरे को, दिखा थोड़ा महंगा होता है लेकिन ब्रांड मतलब वैल्यू चीज क्वालिटी चीज। चलो बैठते हैं, कौन सा चेयर बताओ भाई। मैंने हेलमेट तो ले लिया और लेकिन भाई इसको लेके घूमना बहुत बड़ा एक टास्क है। और यहाँ पे रॉक और बॉबी जो है मसाज ले रहा है, तब तक हम लोग घूम के आते हैं। ब्रो हाउ यू फीलिंग? अरे लौंडे का मुस्कुराहट से मालूम चल रहा है। चलो ठीक है एंजॉय करो, हम लोग सुसु करके आते हैं। तो भाई यहाँ तो खाली 20,000 का हेलमेट है सिर्फ, यहाँ देखो मजा आया। अरे सब जगह करता है अभी तो, फिर 600 किलोमीटर चाप दिया अभी हुआ 600 किलोमीटर छोड़ निचोड़ के पूरे का सफेद बाल लेकिन धो के जाएगा। तो भाई मसाज साज भी हो गया, अपना भी काम कंप्लीट हो गया जितना भी करना था। और भाई अभी सुकून का थोड़ा सा रिलैक्स होना है मॉल के अंदर में, उसके बाद थोड़ा पर्सनल टाइम भी होता है, थोड़ा पर्सनल टाइम। अब देखो जितना व्लॉगिंग दिखाना था जितना पर्सनल दिखाना दिखा दिया, अब होने वाला इससे ज्यादा पर्सनल। क्या करने वाले, कुछ कांड काला कांड करेंगे, क्या देंगे हम, एक्सपर्ट देंगे हम, 150 रुपया देने तो एक्सपोज करेगा। खाली सिलगुड़ी सिटी सेंटर में ही क्यों आता है, हम इसका एक्स्ट्रा फन फैक्ट वीडियो बनाएंगे, मेरे को एक्सपोज करेगा इन लोग। अभी क्या है ना, यहाँ से जाते देखते भाई कुछ खाना पीना होगा तो खाएंगे, बाकी तो बाकी तो मैं तो बोलता हूँ ब्रो रशियन बुला लेते हैं। तो इस वीडियो का यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो, और ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके बताना ये अमेजिंग ब्लॉग कैसा लग रहा है। एंड स्टे ट्यून, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले जैसे कि ट्रैवलिंग एंड ऑल स्टार्ट होने वाले एकदम भाई, स्टे ट्यून। सो आज के वीडियो में मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही।